First of all, I would want to congratulate the Merchant family and Akhil here, who is the youngest person that I've known is doing so good with his life, and he's already achieved so much just being 19 year old. He's already a CEO at 19. He's making his family proud, and now he's come up with this innovative one of its kind app, Wash and Dry. It is a laundry app. Up apne जैसे अभी सारी दुनिया जो है वो अपने फ़ोन पे हो गई है, खाना हो, घूमना हो, सब कुछ हो, सो व्हाई नॉट दिस, विच इज़ द बेस्ट थिंग. अपने क्लेनलीनेस जो है वो भी हम अपने उंगलियों पे भी पा सकते हैं. अभी हमको घर से बाहर निकल के वी डोंट रियली हैव टू गो एंड गिव आर क्लोथ्स फॉर वॉशिंग अ स्टफ. दीज पीपल आर गोइंग टू कम होम. इतना हमारे लिए कन्वीनियंट कर दिया है, ईजी कर लिया है कि घर बैठे बैठे हम अपने कपड़े, हम अपने सोफे, हम अपने घर के एक्सेसरी, एवरी थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, क्लेंट, वॉश, ड्राइड एंड रिटर्न टू यू इन एकदम नया करके. सो आई कंग्रेचुलेट हिम, आई कंग्रेचुलेट द होल मर्चेंट फैमिली, एंड आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ दिस बॉय. जी जी, मैं बहुत नो आई लव इट बिकॉज यू नो आई हैड नो आइडिया इसके पहले तक अगर कोई ऐप ऐसा था. आई डोंट थिंक सो था. आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ इट्स काइंड ऐप, वॉश एंड ड्राई, जहाँ पे आपको लॉन्ड्री सर्विसेज आपके फ़ोन पे मिल रही है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू नो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड, एंड यू नो मोस्ट ऑफ माई थिंग्स आर डन ऑनलाइन, क्योंकि आजकल जिस तरीके की बिजी लाइफस्टाइल सब जी रहे हैं, नॉट वी डोंट रियली हैव द टाइम टू गो एंड यू नो डू दिस बाय आवरसेल्फ. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है कि अभी घर आके ये भी एक जो लॉन्ड्री का जो इशू होता है, कपड़े धोने का, ड्राई करने का, और योर अदर एक्सेसरीज इन योर हाउस लाइक द कारपेट्स एंड योर सोफाज एंड योर कुशन कवर्स, योर सॉफ्ट टॉयज, एवरी थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. आपको सिर्फ घर बैठ के इनको एक बटन दबा के घर बुलाना है. Yes. Public figure. Yes. Personally, इस चीज़ों पे कितना ध्यान दे तो, in fact, like it's about your जी जी. आई थिंक जस्ट आई थिंक सिर्फ क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ इसलिए नहीं. आई थिंक हर एक इंसान को अपने पहनावे पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है, क्योंकि आपका पहनावा बताता है, बहुत ज़्यादा स्पीक करता है आप जिस तरीके के इंसान हो उस के बारे में. भले ही आप यू नो मे बी यू माइट बी द रिचेस्ट पर्सन, बगर आप अगर गंदे कपड़े पहन के या यू नो ऐसे बाहर निकल के आओगे, सो पीपल विल स्टिल हैव क्वेश्चन इन देयर माइंड कि भाई क्या हो गया. सो आई थिंक लोगों का जो पहनावा होता है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स द पर्सन यू आर. एंड नाउ मिस्टर अखिल मर्चेंट हियर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. एनी एंबैरेसिंग मोमेंट कभी ऐसे हुआ है जहां पर मतलब कोई कपड़े ऐसे पहने जहां आपको जाना जरूरी है, कभी ऐसे मतलब यू नो दैट हैज बीन गॉन अननोटिस्ड बाय यू? वाज दैट ऐसी कोई सिचुएशन आया था, एंबैरेसिंग मोमेंट था? नहीं, बहुत बार होता है. आई मीन समटाइम्स व्हेन यू गिव, और स्पेशली व्हेन यू गिविंग योर, ये जो बहुत ज़्यादा जरी वाले कपड़े होते हैं ना, ये सारे होते हैं जो आप घर पे नहीं वॉश कर सकते हो, देन यू गिव इट टू अ लॉन्ड्री, एंड समटाइम्स दे आर नॉट रियली एबल, जो हम जिस वजह से उनको देते हैं वो स्टेन या वो सब वो प्रॉपरली नहीं निकाल पाते. कभी कभार आप लॉन्ड्री में कपड़े देते हो तो वो आपके दो साइज़ छोटे होके वापस मिलते हैं. सो यू नो टू अवॉइड ऑल दैट ट्रबल, आई थिंक हियर वी हैव द मैन हियर, एंड आई थिंक अभी आज से मेरा माई लॉन्ड्री इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. तो हमारा ऐप सर इतना कन्वीनियंट है कि आप किधर भी हो, कैसे भी हो, आपके घर पे आपको बुलाना है, आपके ऑफिस पे आपको बुलाना है, और यू आर एट एन इवेंट किधर भी हो, आपको वहाँ से आके लेकर जाएंगे. यू कैन चूज अनदर डिलीवरी यू नो प्लेस वे यू वांटेड टू डिलीवर, तो वहाँ पे आके डिलीवर करके जाएंगे. प्लस जो टाइम है रहता नहीं लोगों के पास आजकल, तो एक बटन दबा तो हो जाएगा. जल्दी चाहिए वो फैसिलिटी भी दे रहे, और जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हर चीज़ जहाँ से आपके बैग्स, आपके यू नो बैकपैक्स, आपका सोफ़ा, लॉन्ड्री, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. चाहिए तो आपको भी हम धोने का टाइम थोड़ा कर देंगे थोड़ा टाइम बाद. बहुत सारी ऐप है, लेकिन इसमें अलग से क्या है सर? अलग से ये है ऐप जो हमारा प्राइसिंग भी, इफ़ यू सी हमारे इस मार्केट में ये प्राइसिंग आई गारंटी आपको नहीं मिलेगा. जो कंपेटिटिव मार्केट है, वी कैप द प्राइस ऑल्सो सर, कॉमन मैन कैन यूज इट. सो वी गिव द बेस्ट थिंग और हाइजीन वे वीव कम ओवर. हाइजीन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स विच वी टेक केयर ऑफ. तो हम लोग एक कस्टमाइज यू नो लिक्विड लाए हैं
जिससे आपका ना फैब्रिक खराब होता है और आपका क्लीनिनेस भी मेंटेन रहता है. That's how we're going to be different from others. India level पे है क्या रे मुंबई में ही? अभी initially मुंबई level पे है but very soon we'll be going to the metro cities as well. अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएंट क्यों चॉइस किया आपकी ऐप को लॉन्च करने के? क्योंकि मैम है ही इतने अच्छे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि honestly I am a very very big fan of मैम. वो जब भी जहाँ भी उनकी हर मूवी मैंने देखी है उनको एक्चुअली ना एक बार मैं एयरपोर्ट से मैं जा रहा था डैड को पिकअप करके उनकी गाड़ी को मैंने फॉलो किया था. आई स्टिल रिमेंबर कि जस्ट टू सी हर. तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. सो सिंस माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई डैड ही न्यू मैम वेरी वेल सो दैट्स वाई उनको ही लाना था. देयर वाज नो अदर ऑप्शन. सर ऑफकोर्स पूरा पर्सनल अटेंशन इसी को रहता है क्योंकि हर एक कपड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. भले ही एक सूट हो या एक ड्रेस हो या टी शर्ट हो हर कपड़े को हम वो ध्यान रखेंगे कि उसको बराबर वॉश हो पैक हो स्टेन है वो निकले जले नहीं. यू नो बहुत सारी चीज़ें टाइम होता है स्टेन निकलता नहीं है और ये क्लोथ्स यू नो दे टेयर एट टाइम्स पैकिंग में इस्त्री घर पर बराबर नहीं पहुँची. तो ऑफकोर्स हमारा पूरा ध्यान हर कपड़े पर रहता है ताकि हम हमारे कस्टमर्स को हर चीज़ दे सकें. Well, I have a couple of films that are going to be starting end of October and then November. I'll also be doing a Punjabi film. I don't want to talk much about it right now because this is a different agenda right now that we are here for. But hum baad mein kabhi jab sirf meri filmon ke bare mein baat ho rahi hogi that time I will give you an entire list of my forthcoming work. I'm just going to say that you know this year looks great for me and towards the end a lot of things are going to be happening. Isko main bahut strongly manti hu kyunki maine I have tried being otherwise also and I've seen how the focus just goes away so I think it's just better to be single. Ji kya kehna chahenge iske bare mein? Main oh my god you know it really breaks my heart whenever I hear him about falling ill kyunki recently wo thoda unki tabiyat thodi kharab rahi hai and he's a legend you know he's been generation se generation meri jo nani thi wo unki sab badi fan thi you know to मैं jitna bhi unke bare mein bolun wo kam hai main bas dil se chahungi ki wo jald se jald theek ho jaye main allah se yahi dua karungi ki unki tabiyat jald se theek kar de. Thank you. Thank you.